नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का। नमस्कार मैम। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैं सिंस माई चाइल्डहुड 1997 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आशु है एंड माय फादर वाज टीचर इन शास्त्री हमजी बॉयज स्कूल। तो मैं सिंस मेरे लाइक 2.5 ईयर्स के थे जब हम यहाँ पे आए थे, तो मेरी अपब्रिंगिंग यहीं की है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आई एम बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट, आई एम वर्किंग इन हिसार राइट नाउ। मैम इतने मतलब एजुकेटेड होने के बाद डेरा जैसी जगह पे आना आखिर क्या मतलब बनता है? ये तो हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है। लोग बाहर बैठ के बहुत कुछ बोलते हैं एंड मैं अपने सभी फ्रेंड्स को भी यही बोलती हूँ कि इट्स नॉट व्हाट यू सी। ठीक है, आप आओ एक्सपीरियंस करो। हम बचपन से यहाँ पे रहे हैं, आपको वही दिखता है जो बाहर लोग बोलते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सिक्के का वो पहलू भी होता है जो आपको कोटिंग करके दिखाया जाता है। सो सी द बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत है। ऐसा हम बचपन से यहीं पढ़े हैं, हमें हिम्मत मिली है कि हम अपने स्टैंड लें, हम अपनी लाइफ बनाएं। तो हमें जो मोटिवेशन मिली है वो यहीं से मिली है। शायद हमारी लाइफ कुछ और होती अगर हम यहाँ ना होते आज। बीइंग अ गर्ल, आपको लगता है यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं? या 100% श्योर। मतलब यहाँ पे अगर सेफ नहीं है तो कहाँ पे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता वो कौन सी लड़कियाँ जो कहती हैं वो यहाँ पे सेफ फील नहीं करती सी। हर जगह पे हर तरह के लोग आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो उस प्लेस को गलत बना देता है। यहाँ पे हमें कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। यहाँ पे सो तरह के लोग आते हैं यार, मतलब हर जगह हर तरह के लोग आते हैं बाहर जो आपको अनसेफ भी फील करवा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट दिस प्लेस। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन राइट एंड आई कैन गिव यू। मैम मीडिया चैनलों पर इतना फिर क्यों बदनामी की गई है? यार मीडिया, एवरीवन नोज कि आज की मीडिया मतलब क्या है, एक्चुअल क्या है, क्या रियलिटी है आज की मीडिया की। आप उनको 4 पैसे दो, वो कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, अगर मुझे आपके बारे में कुछ गलत बुलवाना है तो मैं उन्हें पैसे दूंगी, वो बोल देंगे। दैट्स ऑल पॉलिटिक्स ऑल। मतलब वो तो मुझे नहीं लगता मुझे कि किसी को क्लियर करने की जरूरत है कि आज की मीडिया क्या है। सो दैट इज जस्ट फेक। मतलब पैसों से आप जो भी कोटिंग देना चाहो वो दे सकते हो। आज समाज में संतति नहीं है, आप लोगों को लगता है आप जैसे यूथ को जरूरत है उनकी? ऑब्वियसली आज हम लोग जितना मतलब हमारी जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो ना ही तो अपने माइंड को लेके स्टेबल है, ना ही अपने रिलेशनशिप्स को लेके स्टेबल है। तो आई थिंक अगर हमें वो टीचिंग मिले जो हमें मिली है, मतलब सिंस स्कूल हमें जो अपब्रिंगिंग मिली है वो बहुत हेल्प करती है हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में, हमारे करियर को हैंडल करने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं यहाँ पे जो बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी लाइफ में, हर टाइम पे, हर एक्सपीरियंस में। तो मतलब अगर वो हैं तो हमारी लाइफ है, मैं ये फील करती हूँ। शायद मैं अगर कहीं और होती तो ये लाइफ ना होती जो आज मेरे पास है। तो आई फील प्राउड टू बी हेयर एंड आई फील प्राउड टू बी देयर चाइल्ड। मैम आप कह रहे हो कि संत जी की आज समाज को जरूरत है, तो उनके क्या ऐसी टीचिंग्स हैं, क्या मतलब ऐसे काम है जो आपको अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा? सी मैं प्रैक्टिकली लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी कोई देख रहा हो सुन रहा हो, कि हम बहुत बातें करते हैं बाहर फैक्ट्स की कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो हाउ कैन वी जज एनीवन? मतलब जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं से लोग कहते हैं कि मूवीज क्यों बन गई हैं। इट्स पर्सनल चॉइस ना, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अगर कल को मैं एक्टिंग करने लग जाऊँ तो मैं एक्ट्रेस हो जाऊँगी, तो वो तो मेरे करियर को इम्पैक्ट नहीं करता ना। वो तो मेरी चॉइस हो गई कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे आर्किटेक्ट बनना है। सो इट इज़ वट एज अ ह्यूमन बींग यू आर। तो अगर संत हैं वो और वो जब समाज को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, हमें अच्छे रास्ते दिखा रहे हैं, दैट वट वी शुड डू, तो वी शुड फॉलो देम ना। मतलब हम क्यों ऐसा बोले कि वो गलत है? गलत क्या है? जस्ट एक्सप्लेन गलत क्या है। सो अगर आप कहते हो कि जज मत करो, फैक्ट्स पे बिलीव करो, तो गाइस जो आज की जनरेशन में आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आप बोलते हो उस चीज़ पे खुद आप एक बार सोच के देखो कि अगर आपको फैक्ट्स पे बिलीव करना है, अगर आपको किसी की चीज़ को जज नहीं करना है जस्ट बाय लिसनिंग अदर्स, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस एंड बिलीव। सरकार से क्या मांग करूँगी? सरकार से मैं यही मांग करूँगी कि पॉलिटिक्स कम खेलें और देश को और इंसानियत को अच्छा बनाने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वट एवर दे शुड डू, दे शुड थिंक अबाउट दिस, क्योंकि किसी को यहाँ पे परमानेंट तो रहना नहीं है। तो इट्स बेटर टू मेक अ बेटर सोसाइटी फॉर एवरीवन। लोग कहते हैं यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते। आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद इतना तो क्लियर हो जाएगा सबको कि मैं एजुकेटेड हूँ या मुझे रट के यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं वेल एजुकेटेड लोग भी यहाँ पे आते हैं, ऐसा नहीं है जो कि मीडिया चैनलों पर दिखाया गया
कॉइंस के दो हिस्से होते हैं। आज मीडिया चैनल का जो हाल है बच्चा बता सकता है, ये हमारे समाज के लिए दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति है कि चौथा स्तंभ जिसको संदेशवाहक का कार्य करने के लिए बोला गया था उसकी वजह से कितने लोगों की भावनाएं आघात हो रही है, कितने लोगों पे गलत असर पड़ रहा है, कितने अच्छे कार्य रुक रहे हैं, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। लोगों की ये लगातार मांग है कि ऐसी मीडिया चैनलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और उनसे रोका जाए ऐसी खबरें दिखाने से। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।